Hello everyone and welcome to ITLS Academy, Empower the Youth. Today's lecture is based on a very interesting and important concept of clinical nutrition, that is malnutrition. Let's see the introduction part of the topic. What is malnutrition? Malnutrition is an imbalance in dietary intake. It occurs when person has too much or too little food or essential nutrients. A person with malnutrition may lack vitamins, minerals, and other essential substances that their body needs to function. Malnutrition can lead to short and long-term health problems, slow recovery from wounds and illness, a higher risk of infection. So, malnutrition kya hai? Malnutrition in simple words mein agar isko define kare, to koi bhi person hai, या कोई भी ह्यूमन बीइंग है जब उसको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं या उसकी बॉडी को एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड नहीं प्रोवाइड किया जाता या उसकी बॉडी में कोई ना कोई विटामिन का लैक होता है या मिनरल का लैक होता है या जो भी हमारे एसेंशियल्स हैं बॉडी की डेवलपमेंट के लिए उनकी ग्रोथ के लिए उसमें कोई ना कोई लैक हो जाता है तो उसको कहते हैं माल न्यूट्रिशन. मतलब ये कि जब आपकी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए आपको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल फूड नहीं मिलते हैं एक राइट अमाउंट में बैलेंस डाइट नहीं मिलती है तो उसको हम कहते हैं माल न्यूट्रिशन. माल न्यूट्रिशन से आपको बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है जैसे कि आपको कोई बीमारी हो सकती है कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है या जो आपकी इलनेस है उसके रिकवरी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है या जब आपकी बॉडी में एसेंशियल मिनरल्स नहीं हैं विटामिन्स नहीं हैं न्यूट्रिएंट्स नहीं है प्रॉपर अमाउंट ऑफ बैलेंस्ड डाइट नहीं है तो आपकी बॉडी वीक होने लगती है. जब आपकी बॉडी वीक होती है तो आपकी जो बॉडी है वो हायर रिस्क हो जाती है फॉर इन्फेक्शन के लिए. तो माल न्यूट्रिशन से हमें ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है. तो माल न्यूट्रिशन शुड बी अवॉइडेड इन द ह्यूमन बॉडी. सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ माल न्यूट्रिशन? माल न्यूट्रिशन के कॉजेज क्या हैं? तो कॉजेज है जैसे अनसुटेबल डाइटरी चॉइसेस, हैविंग अ लो इनकम, डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग फूड, वेरियस फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ कंडीशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी फिज़िकल हेल्थ अच्छी है, यू आर गेटिंग अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ डाइट एंड एवरीथिंग मींस फूड ऑन टाइम एंड एवरीथिंग, बट योर मेंटल हेल्थ इज़ नॉट गुड, तब भी आपको यू नो हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं. बिकॉज फॉर अ प्रॉपर यू नो ह्यूमन बॉडी, फॉर अ गुड ह्यूमन बॉडी या गुड हेल्थ, फिज़िकल एज वेल एज मेंटल कंडीशन शुड बी इम्पॉर्टेंट. सो क्या क्या कॉजेज हैं? या तो कोई पर्सन है जिसकी लो इनकम है, वो अच्छा फूड अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो प्रॉपर अमाउंट ऑफ फ्रूट्स नहीं इनटेक कर सकता है, या तो ये कॉज हो सकता है, या जो उसकी जो डाइटरी चॉइसेस हैं वो अनसुटेबल हैं, राइट? या उसमें क्या है, मेंटली हेल्थ इज़ नॉट फाइन, फिज़िकली ही इज़ डूइंग वेल बट मेंटली ही इज़ नॉट डूइंग वेल, तो उस केस में भी माल न्यूट्रिशन का वो कॉज होता है. Then comes some deficiencies can trigger the specific health problems. For example, lack of vitamin A. Around the world, many children develop vision problems due to lack of vitamin A. तो vitamin A क्या है कि अगर किसी भी person की diet में vitamin A की deficiency है तो उसमें क्या है, उसमें जो चिल्ड्रंस हैं उनमें विजन प्रॉब्लम होती है. विजन प्रॉब्लम, दे कैन नॉट ईजली सी द एनवायरमेंट, राइट? लैक ऑफ विटामिन सी, द लैक ऑफ विटामिन सी कैन रिजल्ट टू स्कवरी. स्कवरी इज रेयर इन US, बट इट कैन डेवलप इफ पर्सन डज नॉट हैव अ वेराइड डाइट विथ प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. फ्रेश, फ्रोजन एंड कैंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑल कंटेन विटामिन सी. तो अगर हम बात करें US की, तो US में डिस्कवरी की जो लैक है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, वहाँ पर इतनी बहुत डिस्कवरी बहुत ही रेयर है. बट
अगर कोई पर्सन है जिसमें उसको प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स नहीं मिल रहे हैं, प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स नहीं मिल रहे हैं, तो ही इज़ हैविंग अ लैक ऑफ विटामिन सी और उसको स्कवरी, इट कैन लीड टू रिजल्ट टू स्कवरी. सिमिलरली व्हाट आर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, इन एग्जांपल सिट्रस फ्रूट्स दैट आर वेरी रिच इन विटामिन सी. Right, so we should always try to incorporate different types of vitamins, different types of proteins, different types of nutrients in our diet. So people who are particularly at the risk of scurvy includes कौन कौन से पीपल्स हैं जो स्कवरी, जिनको हायर रिस्क होता है स्कवरी का. फॉर एग्जांपल ओल्डर एडल्ट्स, यंग चिल्ड्रंस, those who consume lot of alcohol, some people with certain mental health condition. तो ये सारे जो group of peoples हैं, they are particularly at a higher risk of scurvy. Who are they? They are older adults, young children, and those who consume lots and lots of alcohol, and some people with certain mental health condition. अब मैं बार बार बात कर रही हूँ मेंटल हेल्थ कंडीशन की, क्योंकि जो हमारी हेल्थ कंडीशन है वो प्ले करती है वेरी इम्पॉर्टेंट रोल किस में, इन मेंटेनिंग द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी. देन कम्स ओवर न्यूट्रिशन. अगेन ओवर न्यूट्रिशन is another type of malnutrition. It occurs when person takes in more nutrients than they need. The result may be an accumulation of body fat from excess nutrients, result in overweight or obesity. Overnutrition has several health implications. People who have overweight or obesity are at the higher risk of high blood pressure, diabetes, cancer, high cholesterol. So next heading is overnutrition. Overnutrition means, since its name suggests over, कोई भी nutrition का over consumption या over intake, उसको हम कहते हैं over nutrition. मतलब कोई भी person जब एक appropriate amount से ज़्यादा nutrient अपनी diet में include करता है तो उसको हम कहते हैं over nutrition. ये भी एक टाइप है माल न्यूट्रिशन का. इसमें क्या होता है कि कोई भी पर्सन है, उसने ओवर न्यूट्रिएंट्स ले लिया, उसकी बॉडी में क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट है वो अक्यूमुलेट होता जाएगा इन द फॉर्म ऑफ बॉडी फैट, जिसके वजह से क्या होगा, जब बॉडी में फैट का अक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली हमारा जो उसमें ओबेसिटी हो जाएगा, वेट गेन हो जाएगा, ओवरवेट हो जाएगा. सो ओवर न्यूट्रिशन हैज़ सेवरल हेल्थ इम्पैक्ट इम्प्लिकेशंस. फॉर एग्जांपल जो पीपल हैं जिनका ओवरवेट है या ओबेसिटी है, आर एट दी हायर रिस्क ऑफ बीपी प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़, कैंसर, हाई कोलेस्ट्रॉल्स. देन कम्स द सिम्टम्स ऑफ माल न्यूट्रिशन. व्हाट आर द सिम्टम्स एंड यू कैन से what are the sign of malnutrition. But before moving to the symptoms, let me tell you the rate of overnutrition in the growing worldwide. Means agar main WHO ki baat karun, unhine 2020 mein ek report aayi thi ki 5.7% of children under 5 were overweight, an increase from 5.4% in 2000. So आप इसी से ही देख सकते हो कि ओवर न्यूट्रिशन भी, इट इज़ अ टाइप ऑफ माल न्यूट्रिशन विच आर हैविंग अ एडवर्स इफेक्ट ऑन चिल्ड्रंस एज वेल एज ऑन द एडल्ट. देन व्हाट आर द सिम्टम्स. सम साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ माल न्यूट्रिशन इंक्लूड वेट लॉस, लैक ऑफ एपेटाइट और इंटरेस्ट इन फूड और ड्रिंक, टायर्डनेस एंड इरिटेबिलिटी एंड inability to concentrate, always feeling cold, depression, loss of fat, muscles, mass and body tissue, a higher risk of getting sick and taking longer to heal, longer healing time for wound. So these are certain symptoms.
फॉर एग्ज़ाम्पल वेट लॉस, अगर कोई पर्सन है उसका बहुत ही जल्दी जल्दी यू नो वेट लॉस हो रहा है, तो ऑब्वियसली एक वो चीज़ है ऑफ कंसर्न कि क्यों वेट लॉस हो रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न, ठीक है। या आपकी एपेटाइट, आपको भूख नहीं लग रही है, आपको फूड देख करके उस फूड में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, या आप कोई यू नो वाटर इनटेक करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, या हर टाइम आप थके थके रह रहे हो, राइट, या आपको डिप्रेशन है, या यू आर ऑलवेज फीलिंग कोल्ड, तो दीज ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ माल न्यूट्रिशन। देन कम्स सिम्टम्स इन एडल्ट वर्सेस चिल्ड्रंस। चिल्ड्रंस में प्रेजेंट विद डिफरेंट माल न्यूट्रिशन सिम्टम्स देन एडल्ट। अगर मैं चिल्ड्रंस की बात करूँ तो देयर मे बी अ लैक ऑफ ग्रोथ एंड लो बॉडी वेट, टायर्डनेस एंड लैक ऑफ एनर्जी, irritability and anxiety, slow behavior and intellectual development, possible resulting in learning and difficulties. So, अगर हम चिल्ड्रंस की बात करें तो चिल्ड्रंस में कैसे वो एडल्ट से उनके सिम्टम्स अलग हैं कि अगर कोई भी चाइल्ड है उसका जो ग्रोथ है वो कम हो रही है, उसका हाइट के हिसाब से, एज के हिसाब से जो उसका बॉडी का वेट हो रहा है वो भी कम है, या हर टाइम वो टायर्ड रहता है, उसकी एनर्जी उतनी नहीं है, ही इज़ नॉट डूइंग आउटडोर एज वेल एज इनडोर एक्टिविटीज़, या हर टाइम उसको एनजाइटी रहता है, या उसको पढ़ने में यू नो कोई चीज़ लर्न करने में डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, उसकी जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है इज़ नॉट वेरी गुड, तो दीज आर द सिम्टम्स इन एडल्ट, सॉरी दीज आर द सिम्टम्स इन चिल्ड्रंस वर्सेस एडल्ट। देन कम्स द कॉजेज। अब व्हाट आर द कॉजेज ऑफ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन कैन अकर फॉर वेरियस रीज़न। The section below outline these potential causes in more detail. The first one says low intake of food. Some people develop malnutrition because there is not enough food available or because they have difficulty eating or absorbing nutrients. This can happen as a result of cancer, liver diseases, condition that cause nausea or make it difficult to eat or swallow. So the first one says low intake of food. So there are certain people or some people जिनको malnutrition कैसे develop होता है because they are not eating enough, या उनके पास उतना food ही available नहीं है कि वो you know खा सकें, या अगर food available है तो they have difficulty in eating or you know absorbing nutrients, जिसके वजह से they may lead to certain diseases, for example cancer, liver diseases, right? So, even sometimes they have certain, you know, mouth problem also. They cannot chew the food easily, right? So, they are related to the causes of malnutrition. Then comes the mental health condition. Mental health conditions mein undernutrition and malnutrition can affect people with depression, dementia, schizophrenia and anorexia nervosa. So these are certain diseases that leads to the undernutrition through a mental health condition. So eating disorder can you know severely affect the quality of the people living with these conditions and those close to them, right? Then comes the diagnosis. अब diagnose आप कैसे कर सकते हैं? If a person shows or notice any symptoms or sign of malnutrition, the first step is to find out why. If a doctor suspect Crohn diseases, celiac diseases or other condition, they may evaluate the patient's condition by asking about medical history, conducting physical exams, ordering testing.
राइट सो इसकी डायग्नोसिस क्या है कि अगर कोई भी यू नो पर्सन में कोई उन्होंने चेंजेस नोटिस करे या उनको कोई सिम्टम्स आया कि उनको लगा कि नहीं हमारे में माल न्यूट्रिशन की यू नो देर इज़ अ डिफिशेंसी ऑफ न्यूट्रिशन वी आर सब्जेक्टेड टू माल न्यूट्रिशन तो वो डॉक्टर को जब सीख करता है तो डॉक्टर उससे सबसे पहले दे आस्क अबाउट दी मेडिकल हिस्ट्री कि कोई इससे पहले मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं रह चुकी है या कोई उसका फिजिकली उसको एग्जामिन करेगा या उसको सर्टेन टेस्ट यू नो लिख करके देगा राइट अब हेल्थ केयर प्रोफेशनल में ऑल्सो कैरी आउट द ब्लड टेस्ट फॉर जनरल स्क्रीनिंग एंड मॉनिटरिंग टेस्ट फॉर स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स सच एज आयरन एंड विटामिंस राइट सो दे द डॉक्टर में ऑल्सो आस्क यू अबाउट द एल्ब्यूनियम टेस्ट विच इंडिकेट द लिवर एंड किडनी डिजीजेस एल्ब्यूनियम टेस्ट से आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कोई लिवर की या किडनी की कोई डिजीज तो नहीं है राइट देन कम्स द ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट विल डिपेंड ऑन द सिवियरिटी ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर अंडरलाइंग कंडीशन एंड कॉम्प्लिकेशन तो ट्रीटमेंट किस पे डिपेंड करता है सीवियरिटी कितनी है अगर आपका नॉर्मल है माल न्यूट्रिशन तो यू दे कैन गिव यू द सर्टेन टाइप्स ऑफ यू नो एडिशनल मल्टीविटामिंस टू कोप अप विद द माल न्यूट्रिशन बट अगर बहुत ही सीवियर है कॉम्प्लिकेशंस है तो दे मे इंक्लूड ऑनगोइंग स्क्रीनिंग एंड मॉनिटरिंग दे मेक अ डाइटरी प्लान विच माइट इंक्लूड टेकिंग सप्लीमेंट्स treating specific symptoms such as nausea treating any infection that may be present so agar normal hai high risk nahi hai to they give you certain types of you know supplements like multivitamins and they ask you to incorporate different types of fruits different types of vitamins or different types of nutrients in your diet but agar aapki jo condition hai malnutrition ki wo bahut hi zyada severe ho gayi hai तो उस केस में दे विल आस्क यू फॉर ऑनगोइंग स्क्रीनिंग एंड मॉनिटरिंग दे मेक अ डाइटरी प्लान्स में आपके एसेंशियल सप्लीमेंट्स इंक्लूड कर देंगे दे आस्क दे कैन ऑल्सो यू नो ट्रीट द स्पेसिफिक सिम्टम दैट इज नोन एज नोजिया देन दे कैन हेल्प इन ट्रीटिंग इन्फेक्शन दे दैट मे बी प्रेजेंट बिकॉज ऑब्वियसली अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है राइट तो आपके लिए वो यू नो हानिकारक है आपकी हेल्थ के लिए दैट इज़ नॉट गुड तो दे विल ट्रीट द इन्फेक्शन एज वेल देन कम्स द प्रिवेंशन टू प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन पीपल नीड्स टू कंज्यूम अ रेंज ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम वेरियस फूड्स टाइप तो अगर कोई भी यू नो पर्सन है उसको माल न्यूट्रिशन है तो हाउ टू प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन हाउ पीपल यू नो प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन सो पीपल नीड्स टू कंज्यूम अ लार्ज रेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वेरियस फूड टाइप्स सॉरी ओल्डर एडल्ट्स यंग चिल्ड्रंस पीपल विद सीवियर क्रोनिक इलनेस एंड अदर मे नीड्स टू may need additional care to obtain nutrient they need. Anyone who starts to show sign of malnutrition or undernutrition should see a doctor for diagnosis and treatment. In the US, effective treatment is usually available, although the outlook and time needed for recovery will depend on the cause of nutrition. So, agar aapko lagta hai कि आप मतलब व्हाट इज़ द प्रिवेंटिव मेजर यू टेक तो फर्स्ट इज़ कि जो आपके एडल्ट हैं या आपके जो यंग चिल्ड्रंस हैं उनको क्या करना चाहिए उनको अपनी डाइट में यू नो दे कंज्यूम अ रेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आपको वो यू नो फूड आइटम को चूज़ करना है जिसमें आप देख रहे हो कि हाँ दिस फूड इज़ रिच इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक फॉर एग्जांपल विटामिन सी अगर आपको लग रहा है कि आपको डिफिशेंसी है विटामिन सी की तो आप सिट्रस फ्रूट्स को अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो राइट right?
अगर आप देख रहे हो कि मतलब कि आपको साइन दिख रहा है कि यस यू आर हैविंग माल न्यूट्रिशन, आपके पास सिम्टम्स हैं वो सारे, या माल न्यूट्रिशन के या अंडर न्यूट्रिशन के, तो आपको इमिजिएटली अपने डॉक्टर के पास जाना है फॉर डायग्नोसिस एंड फॉर ट्रीटमेंट. तो डिपेंडिंग अपॉन आपका माल न्यूट्रिशन कितना सीवियर है, कितना ओल्ड है, तो उसकी रिकवरी उस पर डिपेंड करती है. सो दिस इज़ अबाउट द प्रिवेंशन. अगर मैं एक पूरी माल न्यूट्रिशन की एक समरी की बात करूं, तो जो माल न्यूट्रिशन क्या है, इज़ द रिजल्ट ऑफ एन इम्प्रॉपर डाइट, राइट. इट कैन बी रिजल्ट फ्रॉम टू फ्यू न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फॉर मतलब टू फॉर फ्रॉम टू फ्यू न्यूट्रिएंट्स मतलब अंडरलाइन अंडर न्यूट्रिशन एंड टू मेनी न्यूट्रिएंट्स मींस ओवर न्यूट्रिशन. सो पीपल हु एक्सपीरियंस अंडर न्यूट्रिशन ऑफन हैव यू नो, अगर उनमें अंडर न्यूट्रिशन है मतलब उनमें बहुत ही कमी है न्यूट्रिशन की, तो उसमें क्या क्या होगा, उनमें लो वेट होगा, डिफ़िकल्टी इन रिकवरी फ्रॉम इंजरीज, लैक ऑफ एपेटाइट, फैटीग, डिप्रेशन अमंग अदर सिम्टम्स, राइट. अगर बट माल न्यूट्रिशन इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ पुअर डाइट चॉइस इन एवरी केसेस. समटाइम्स माल न्यूट्रिशन अकर बिकॉज अ पर्सन डज नॉट हैव ईजी एसेस टू फूड, मीन्स ही कैन नॉट अफोर्ड अ गुड टाइप ऑफ फूड, मीन्स कैन नॉट लीव देयर होम टू बाय फूड, कैन नॉट कुक मील्स, has high has a digestive disorder that prevents their body from proper absorbing nutrients. Helping patient treat malnutrition is an important goal for any healthcare professional. अगर मैं एक health अच्छे healthcare professional की बात करूँ, तो what are their basic aim? Their basic aim is to help patient to treat malnutrition. Together, a doctor and patient can review possible cause of malnutrition and help develop more nutrients dense eating plans. So this is all about malnutrition. इसमें हम जनरली देयर आर सर्टन क्वेश्चंस दैट मे आस्क यू, मींस व्हाट कॉजेस माल न्यूट्रिशन, इम्प्रॉपर डाइट, में आप कह सकते हो अंडरलाइन न्यूट्रिशन मींस लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एज वेल एज ओवर न्यूट्रिशन मींस देयर व्हेन देयर इज टू मच न्यूट्रिएंट्स. What are the four types of malnutrition? So there are four sub-forms of malnutrition: wasting, stunning, underweight, and deficiencies in vitamins and minerals. They may also ask you, what are the four signs of malnutrition? So loss of appetite, swelling or fluid accumulation, eating only small amount of food at a time, unplanned weight loss, feeling weak or tired. So these are some different types of malnutrition. एक क्वेश्चन जनरली बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हाउ डू डॉक्टर्स ट्रीट माल न्यूट्रिशन. तो जैसे अभी हमने डिस्कस करा था, ट्रीटमेंट मे इन्वॉल्व डाइटरी चेंजेस सच एज ईटिंग फूड हाई इन एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स. सो डिपेंडिंग कि आपकी बॉडी में कौन सा न्यूट्रिएंट की कमी है, ठीक है, तो डॉक्टर उस हिसाब से आपकी बॉडी को यू नो ट्रीट करता है आपके माल न्यूट्रिशन को. सो दीज आर बेसिकली ऑल अबाउट माल न्यूट्रिशन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. देयर आर वेरियस क्वेश्चंस दैट मे आस्क दैट वी हैव डिस्कस, बट दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, मीन्स द कॉजेज ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड सिम्टम्स इन एडल्ट वर्सेस चिल्ड्रंस. They may also ask you about overnutrition. People who are overweight or obesity are the higher risk of, they can ask you, right? So this is all about malnutrition. Hope you have understood the topic. Please don't forget to subscribe ITLS Academy. Follow ITLS Academy on Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp and LinkedIn. Please subscribe our channel, and you can also visit our website, that is www.itlsacademy.com. Thank you for watching. Please do like, share and subscribe. Thank you.